और अब बात रायपुर की। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को स्पेशल ट्रेनों से वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में फंसे छत्तीसगढ़ के 1126 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन आज शाम 6 बजे पहुंचेगी रायपुर। बिलासपुर, बलौदाबाजार और रायपुर जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। ट्रेन से उतरते ही श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, श्रमिकों को लाने की तैयारी की जा रही है, स्पेशल ट्रेन से उन्हें लाया जाएगा, पर कहीं ना कहीं हम देखें जिस तरह से लगातार श्रमिक बाहर से आ रहे हैं, कोरोना बढ़ भी रहा है, किस तरह तैयारियां की गई हैं कि वो लोग आएंगे, उनके टेस्ट की सारी चीजें? श्रमिक जो है वो शाम 6 बजे आज रायपुर स्टेशन में पहुंच जाएंगे और उनके लिए तैयारियां भी काफी अधिक की गई है। स्टेशन में जगह जगह पर स्पीकर लगाए गए हैं और स्पीकर में ही खड़े रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसमें स्पीकर जो है वो मीटिंग के नहीं, तो इस तरह से उनको सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो करवाया जाएगा। जवान जो है वो काफी संख्या में रेलवे स्टेशन में मौजूद रहते हैं, जो श्रमिकों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायत देते हैं और उन्हें समझाइश भी दी जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। उसके बाद फिर एक सफाई कर्मचारी जो है वो आता है और सभी मजदूरों को जो है सैनिटाइज किया जाता है ऊपर से नीचे तक। उसके बाद उनकी जो है थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, उनका हाथ सैनिटाइजर से धुलवाया जाता है, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। तो एक चीज हमने ये भी देखी, और भी श्रमिक जो है ट्रेन से जिसे लगातार पहुंच रहे हैं, ट्रेन में इतनी तमाम जिस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी दावे कर रही सरकार, पर उतनी व्यवस्थाएं मजदूरों को नहीं दी गई और कई जगह हमने लड़ाइयां भी देखी और भूख के मारे मजदूर परेशान होते, तमाम चीजें हमने देखी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है ट्रेन में? तो बिल्कुल प्रशासन के द्वारा भी दावा किया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में जो है मजदूरों को लाया जा रहा है और इस तरीके से जो तमाम दावे वो प्रशासन के द्वारा की जाती है और कुछ मजदूरों से पूछने पर भी वो यही कहते हैं कि जो व्यवस्थाएं थी वो ठीक थी। तो इस तरीके से जो मामले है वो सामने आते हैं, लेकिन अगर वो स्टेशन पर उतरते हैं तो उनके लिए उनके सीधे थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, उसके बाद उनके बॉडी पे टेम्परेचर थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से पता चल जाता है, उसके बाद उनको खाने की व्यवस्था जो है वो की जाती है, उसके बाद उन्हें बस के माध्यम से सीधे क्वारंटाइन सेंटर के लिए रवाना कर दिया जाता है। उनकी जांच जो है वो नहीं की जाती, क्योंकि रैपिड टेस्ट से जांच करने में आधे से पौन घंटा लगता है, क्योंकि मरीज का जो रिजल्ट है वो आने में टाइम लगता है। तो इतनी भारी संख्या में जो मजदूरों को बिठाना भी ठीक नहीं है। इस तरीके से जो सोच है वो छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा जो है वो लिया गया होगा। इस तरीके से जो निर्णय है, जो टेस्ट है वो नहीं हो रहा, हालांकि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो वहाँ पर मौजूद रहती है, लेकिन रैपिड टेस्ट किट के बिना ही सभी मजदूरों को जो है उनके गंतव्य स्थल तक और क्वारंटाइन सेंटर तक बस के माध्यम से पहुँचाया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुप्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।